नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। रविशंकर प्रसाद पटना एयरपोर्ट अभी पहुंचे हैं, पटना एयरपोर्ट पहुंचे बहुत ही खुशी और उत्साह में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। उनको फिर से एक बार पटना साहिब से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। क्या कुछ पत्रकारों के सामने कहते हुए नजर आ रहे हैं, फिर उनके बयानों को सुनिए। अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जी और अपने प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की टीम का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। पटना की जनता, आप सबों की शुभकामनाएं। पुनः पटना की सेवा ईमानदारी से करूं, इसलिए आए। निश्चित 400 पार होगा। इस बार का रिजल्ट ऐतिहासिक अभूतपूर्व होगा। बिहार में भी 40 से 40। कौन विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, जनता सब तय करेगी। आप रिजल्ट देखिएगा, 4 जून का इंतजार करिए। अब वो जो भी सीट शेयर करें, जीतेगा NDA, जोरदार जबरदस्त, इंतजार करिए। धन्यवाद। तो आपने सुना, साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक बार फिर से माननीय नरेंद्र मोदी के तरफ से और अमित शाह की तरफ से हमें एक बार फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिला है और पूरी जोर शोर से तैयारी में लगे। अब तो इंतजार है 4 जून को। 4 जून को रिजल्ट जैसे ही घोषित होगा, NDA गठबंधन फिर से अपनी सरकार बनाएगी और 400 की पार और 40 सीट बिहार। ये जो पत्रकारों ने उनसे कहा कि आप लोग स्लोगन और लगातार ये बात कह रहे हैं, तो उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि 400 की पार इस बार बिहार में और NDA गठबंधन की सरकार बनेगी। फिलहाल मैं खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।